अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा की महिला इकाई द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल में ऑक्सीजन बाधित होने के कारण पार्षद भारती जांगिड़ की मौत का आरोप लगाया गया है। इस मामले में महिला पदाधिकारियों ने उचित जांच करते हुए संबंधित कर्मचारियों पर कार्यवाही व ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने के कारण जिनकी मौत हुई है उनको उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। मैं सविता शर्मा जांगिड़ समाज से हूँ और हमारी जो पार्षद है रामगंज की भारती जांगिड़ वाइफ ऑफ चेतन शर्मा, एक मतलब जो मौत नहीं होनी चाहिए वो उन्हें मिली है सिर्फ इसके कारण क्योंकि उनमें प्रशासन ने पूरा ध्यान नहीं दिया उस पर। जो JLN अस्पताल था उसके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ट्रीटमेंट तो किया लेकिन टाइम टू टाइम उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाई है। इसीलिए जांगिड़ समाज पूरा रोष में है कि इसे हमें निष्पक्ष जाँच मिले, उसका हमें नतीजा सामने मिले, उनके परिवार को मुआवजा मिले क्योंकि एक महिला की मौत होना बहुत बड़ी बात होती है, पूरा परिवार अव्यवस्थित हो जाता है उस परिवार से। मेरी इतनी प्रशासन से अस्पताल प्रशासन से भी और सभी से आप लोगों से भी ये है, मीडिया से भी यही कहना है और कलेक्टर साहब से भी यही कहना है कि आप लोग इसकी जांच अच्छे से करवाएं और जो भी निष्पक्ष जांच है हमें मंजूर है। धन्यवाद। कि इसकी लापरवाही सामने आ रही है अस्पताल की, सीधी सीधी जांच है कि उसमें अगर आदमी 10 दिन एडमिट है तो आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप साधन उनको सामने मत आइए कि हमारे पास साधन नहीं है आप यहाँ से ले जाइए। आपने उन्हें धोखे में रखा एक तरह से कि ये मतलब है चल रहा है ऑक्सीजन है प्रक्रिया चल रही है तो फिर अचानक ही ये सब कैसे हो गया। आज आपने ज्ञापन दिया उनके सामने क्या मांग रखी है? हमने यही मांग रखी है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो भी परिवार का कलेक्टर साहब से हमारी यही है ज्ञापन भी है और एक तरह से रिक्वेस्ट भी है कि भाई उस परिवार से जिसका नुकसान हुआ है जो भारती जांगिड़ हमारी बहन है समाज से भी सभी लोगों का यही कहना है कि हमें सही जांच जो है वही सामने आए और अस्पताल प्रशासन से भी यही है उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इतना मुआवजा नहीं चाहिए हमें सिर्फ जांच चाहिए मुआवजा। तो खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां होगी सच्चाई की वापसी। SKV News सच्चाई की वापसी।